Assalamu alaikum. Today we have to learn confusing word. Listen carefully. What should you use for padhna? Padhne ke liye kaun sa padhna? Book ka padhna ya koi ibadat ka padhna? Kya Quran ka padhna? Namaz ka padhna? Kaise use karenge? Somebody use padhna reading. Some reading. I am reading. Main padh raha hu. I am reading namaz. I am reading salat. I am reading book. No, it's not good. It's not correct. It's wrong. How should you use padhna? Listen. Koi cheez aankhon se padhi ja rahi hai, zuban se padhi ja rahi hai, use kahenge reading. Read. Read means padhna. Koi cheez dekhkar zuban se padhi ja rahi hai, use kahenge reading. Reading. Okay. Zuban se padho ya dil se padho, aankhon se dekhkar. Yes. Use us padhne ko reading kahenge. But ibadat ke liye kya use karenge? Namaz ka padhna. Namaz ka padhne ko kya kahenge? Aur नमाज के पढ़ने को, सिर्फ नमाज के पढ़ने को, इबादत के पढ़ने को कैसे कहेंगे? ऑफर. क्या यूज़ करेंगे? ऑफर. आई एम ऑफरिंग सलात. मैं नमाज पढ़ रहा हूँ. ऑफर कहेंगे या तो प्रे यूज़ करेंगे. प्रे. आई एम प्रेइंग सलात. आई एम प्रेइंग. रीडिंग नहीं करेंगे. रीडिंग नहीं, हम लोग देख कर नहीं पढ़ रहे. रीडिंग कौन सी चीज़ को पढ़ेंगे? जो दिल से पढ़ी जा रही है, आँखों से देख कर ज़बान को चलाया जा रहा है, उस पढ़ने को कहेंगे रीडिंग. यस. और जो अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही है चीज़, इबादत, नमाज, उस नमाज के लिए प्रे यूज़ करेंगे. प्रे अदरवाइज ऑफर. प्रे अदरवाइज ऑफर. आई एम ऑफरिंग फजर सलात. आई एम प्रेइंग फजर सलात. आई एम प्रेइंग जोर सलात. आई एम प्रेइंग असर सलात. आई एम ऑफरिंग असर सलात. आई एम ऑफरिंग ईशा सलात. आई एम ऑफरिंग तहज्जुद सलात. आई एम ऑफरिंग इशराक सलात. आई एम ऑफरिंग चास्त सलात. अंडरस्टैंडिंग, ऐसे यूज़ करेंगे. और किसी चीज़ को देखकर पढ़ रहे तो रीडिंग. ओके. चलो देखते रहिए SBS स्पोकन और यूज़ करते रहिए इन वर्डों को. यू ब्रिंग इन द यूजिंग इन दिस वर्ड्स एंड शुड सप्लीकेट फॉर SBS के लिए दुआ करते रहेंगे. अस्सलाम वालेकुम. सी यू अगेन.